दोस्तों, अगर आप अच्छी मौसीकी सुनना पसंद करते हो तो आप मेरी इस बात से अग्री करोगे कि कुछ क्लासिक सॉन्ग्स ऐसे हैं, अगर उनका रीमिक्स किया जाए या उनके साथ छेड़छाड़ की जाए तो मेरी नज़र में एक जुर्म है, शायद आपकी नज़र में भी हो। तो मैं जिस क्लासिक सॉन्ग की बात कर रहा हूँ वो ये है। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। है ना मधुर सॉन्ग, नूरजहां ने क्या जबरदस्त इसको गाया था। मैं आपको इसका मॉडर्न वर्जन इब्रारुल हक की आवाज में भी सुनाता हूँ। इब्रारुल हक ने भी इसको जबरदस्त तरीके से गाया है, लेकिन हम पर एक अल्लाह का अजाब इस वक्त नाजिल हो चुका है। एक जहरीला सिंगर, वो दुनिया भर में वायरल हुआ हुआ है अपने हग्गे के साथ। इतना हगता है अपने सॉन्ग्स के साथ, इतना हगता है कि उसने इस क्लासिक कर्ल सॉन्ग की इज्जत उतार दी। मैं आर्ट की कदर करता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सॉन्ग 10 सेकंड से ज्यादा नहीं सुन पाया, लेकिन ये गाना दुनिया भर में वायरल हो रहा है। सिर्फ यूट्यूब पर 18 मिलियन से ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, और मैंने सुना है बॉलीवुड में भी इसकी रीमिक्स बनाई जा रही है। कमाल करते हो, बॉलीवुड की गिरावट का तो सबको अंदाज़ा है, लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आर्ट में, अपनी क्रिएटिविटी में इतने गिर जाएंगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। समझ जाओ यार, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दो। बहुत से लोग चाहत फतेह अली को टैलेंटेड बोल रहे हैं, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते टैलेंटेड बोल के इसको टैलेंट की तोहीन ना करो।